संत विजय बाबा के परलोक गमन से मैं बहुत आहत हूँ, और सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ईश्वर से यही कामना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति और जो शोक संतप्त समाज, उनके जो शुभ चिंतक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको ये बहुत बड़ा आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। अगर राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। हमारी सरकार ने संत समाज की मांग पर 27 जनवरी 2005 में, याद दिलाऊं, उस समय ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन चल रहा था उसके ऊपर हमने रोक लगाई थी। परंतु ये जो कांग्रेस सरकार है उसने आस्था से जुड़े हुए जो ये ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है उसको फिर से चालू करवा दिया, और जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए, अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूं कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। घटना के बाद अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, घटना के बाद हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद भी मानते हैं कि वो असहाय हैं, इस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ये जो खनन है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं। इससे ही ये स्पष्ट हो रहा है कि संत की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर कोई है तो वो राज्य की ये गहलोत सरकार है। मैं तो समझती हूँ कि इसकी एक बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं, और दोषी हैं उसमें अफसर हैं, उसमें राजनीतिज्ञ हैं, अगर इन लोगों ने संतों के साथ पहले बात कर ली होती, उनके साथ बैठ लेते, उनके जो प्रॉब्लम थी उसको समझने की कोशिश करते, तो शायद ये हादसा होता नहीं। इसलिए इन सब लोगों को जो इसके अंदर हैं और जिनकी वजह से ये डिले हुआ है, उनके अंदर और इनके इस हादसे के पीछे मैंने पूरी तरह से इसकी जांच करवानी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए।